بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. एक मज़मून बयान किया जा रहा है मुस्तकिल चंद हफ़्तों से, वो औलाद की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक है। तीन चीज़ें, तजर्बा और क़ुरान और हदीस के मुताले से मालूम होती है कि औलाद की तरबियत में मुअस्सिर होती है। शफ़क़त, निगरानी और नसीहत, इन तीन चीज़ों को मलहूज रखने वाले तरबियत में कामयाब होते हैं। शफ़क़त तो बुनियादी चीज़ है, शफ़क़त और दावत एक दूसरे से जुदा भी नहीं होती। दावत की जान शफ़क़त है। जब तक मदऊ से हमदर्दी और गमखुसारी नहीं होती, उस वक़्त तक दावत मुअस्सिर नहीं होती, क्योंकि दावत और नसीहत का ताल्लुक़ खैरख्वाही से है। जब सामने वाले की हमारे दिल में खैरख्वाही होगी तो उसके लिए हमारा दिल नर्म होगा। इसी कल्ब की नरमी को शफ़क़त कहते हैं, दिल में नरमी पैदा हो उसकी। जब शफ़क़त पैदा होगी तो उसकी नसीहत में एतदाल होगा, उसकी नसीहत में भलाई होगी, उसकी नसीहत में हमदर्दी और गमगुसारी का जज्बा होगा। और शफ़क़त नहीं होगी तो नसीहत ज़ाब्ते की हो जाएगी। इसलिए औलाद की तरबियत में सबसे पहली चीज़ शफ़क़त है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कामयाबी का राज उनकी शफ़क़त है। शफ़क़त, मेहरबानी अपनी उम्मत पर, चाहे वो मोमिन हो चाहे मोमिन ना हो। शुरू शुरू में तो अम्बिया के दावत गैर मुस्लिमों ही में होती है, बाद में एक तबका मुसलमानों का भी हो जाता है, लेकिन इब्तिदाअन तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम खिताब करते हैं गैर मुस्लिमों ही से, उन्हीं को दावत देते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं अल्लाह की तरफ। कुछ दिन के बाद दो तबके नबी के सामने होते हैं, एक वो जो मुसलसल नाफरमानी कर रहा है, अभी काफिर ही है, अभी उसने दावत कबूल नहीं की, और एक वो जिन्होंने समौतात का मुजाहरा किया, बात ढंग से सुनी और कबूल कर ली और मुसलमान हो गई। अब ये दोनों को लेकर अभी चलता है, तो नबी की दावत उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक ईमान नहीं लाया, और उनके लिए भी है जो ईमान ला चुके हैं। ईमान जो नहीं लाए उन्हें ईमान की तरफ रागिब करना और उन्हें उसके लिए माइल करना, और जो ईमान ले आए उन्हें अल्लाह की बंदगी के तकाज़ों पर डालना और उसकी तरबियत करना। दोनों काम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम करते थे, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा उसवा
सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन तमाम अंबिया इस सिफत में मुश्तरक हैं, हर नबी शफीक है। अब कहते मूसा अलैहि सलाम बहुत जलाली पैगंबर थे, लेकिन ये सिर्फ हम एक तसव्वुर बनाए हुए हैं, वरना अगर हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम को सामने रखकर मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम को देखें तो वो भी बहुत शफीक बुजुर्ग है, बहुत नर्म और मेहरबान है। कितना उन्होंने भुगता है, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर किसी ने आपको तकलीफ दी तो यूं फरमाया, अल्लाह मूसा पर रहम फरमाए, उनके लोगों ने तो बहुत सताया था और उन्होंने सब्र किया। तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने हजरते मूसा के सब्र और हिल्म की तारीफ की। अब उनके कुछ वाकयात सामने रखकर हम ये एक जहन बना लिए हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से वाले आदमी होंगे, बहुत जलाली आदमी होंगे, ऐसे हमने जहन बना लिया। वरना नबी हो और शफीक ना हो ऐसा नहीं हो सकता। नबी शफीक होता है, शफ़क़त के सहारे उम्मत पे छाता है और शफ़क़त के जरिए कुलूब में जगह बना लेता है। शफ़क़त उसके पास बहुत बड़ा वसीले दावत है, उसी से वो काम आगे बढ़ाता है। इसलिए शफ़क़त अंबिया अलैहिस्सलाम का मिजाज है। गुस्सा उन्हें आता है, जहां आना है वहां आता है, उस गुस्से में भी वो शफीक नजर आते हैं और उसमें भी वो मेहरबान दिखाई देते हैं उम्मत के साथ। इसलिए गुस्से में शफ़क़त ख़त्म नहीं हो जाती, गुस्से में भी शफ़क़त होती। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ लाए, लोग कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, पूछा क्या बातें कर रहे हो, कहा हम तकदीर के सिलसिले में तबादले ख्याल कर रहे हैं। तो गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया, हत्ता इहमरत वजहूहू, आपका चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे हम लोग उर्दू में कहते लाल पीले हो गए। इतना गुस्सा आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, सहाबा खुद कह रहे हैं इतना गुस्सा आया, चेहरे से देखा पहचाना। लेकिन उस गुस्से में किया क्या? आपने पहले तो सख्त लहजे में पूछा, वबिहाजा उमिर, तुम्हें इन बातों का हुक्म दिया गया है, तुम्हें इन बातों की इजाजत दी गई है कि तुम तकदीर में के मसले में गुफ्तगू करो? नहीं दी गई थी। वो लोग शर्मिंदा हुए, खामोशी इख्तियार की, फरमाया देखो जो मैं तुम्हें दे दूं वो ले लो और जिससे रोक दूं रुक जाओ, बस ज्यादा मसाइल में मत पड़ो, परेशानी का सबब होगा तुम्हारे लिए, बस मैं जो कहता रहूं सुनते रहो चलते रहो उसके ऊपर, और जिससे मैं रोक दूं रुक जाओ। अब ये सब मसाइल तुम उठाओगे और नहीं समझोगे, अपना ईमान खराब करोगे, अपना दीन मुतासिर करोगे, क्या जरूरत है इन मसाइल में पढ़ने की? मैंने कह दिया था कि तकदीर पर ईमान लाओ, ले आए, बात खत्म हो गई, अब मैं जो आमाल बता रहा हूं आमाल में लगे रहो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि लाल पीले हो गए, लेकिन इतने गुस्से के बावजूद जो उनके साथ मुआमला किया वो शफ़क़त पर मबनी, नहायत मुशफ़िक़ाना तालीम दी और बहुत समझा कर उनसे बात की। गुस्से में कुछ नहीं कहते हुजूर अलैहिस्सलाम, आता गुस्सा ज़रूर था, गुस्से की बात पर गुस्सा आना चाहिए ना। इंसानियत का कमाल ये है, अगर गुस्से पर किसी को गुस्सा नहीं आता तो उसकी इंसानियत नाकिस है। इंसानियत का कमाल ये है कि गुस्से की बात पर गुस्सा आए, खुशी की बात पर खुशी हो, यह इंसानियत का कमाल है। तो नबी मायूब नहीं होता, नबी की इंसानियत भी कामिल होती है, इसलिए गुस्से की बात पर उसे गुस्सा भी आता है। लेकिन गुस्से के बाद वो करते क्या हैं? तो शफ़क़त का मामला करते, गुस्से में वो शफ़क़त के बजाय गिलज़त और सख्ती पर नहीं आती, शफ़क़त का मामला करती है। ये वही कर सकता है जैसे अपने नफ्स पर काबू। हमें औलाद की तरबियत के सिलसिले में इसी गुर को इख्तियार करना चाहिए। सबसे पहली चीज शफ़क़त है, शफ़क़त है। हमारे छोटे ये महसूस करें कि हमारा बाप हम पर मेहरबान है, हमारी माँ हम पर मेहरबान है, उनका एहसास ये हो। इस एहसास को देना हमारी जिम्मेदारी,
वो एहसास कैसे पैदा होगा? वो तो छोटे हैं, पैदा हुए हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हमसे जूनियर है, हमसे सीनियर तो है नहीं। तो जो कुछ उनको मिलेगा हमसे मिलेगा, तो हमारा तर्ज अमल उनके दिल में ये बीज पैदा करे और ये तअस्सुर डाल दे कि अब्बा मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है, अम्मी मुझे बहुत चाहती हैं, ये उनके दिल में बैठ जाए। ये बिठाना ऐसा ऐसा ऐसी बात मान लेना उनके जिम्मे होगा, जाहिर है वो इसके अहल नहीं है, वो खुद से कैसे मान लेंगे इसको। ऐसी बात मनवा देना है हमारे जिम्मे है कि ऐसा तासर बच्चों को हो जाए, उनके दिल में सबसे पहले ये बात बैठ जाए कि अब्बा मुझ पर मेहरबान हैं, अम्मी मुझ पर मेहरबान हैं और मेरी मोहसिन हैं, खैर ख्वाह हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं। ये तासर हम उनको दे देना चाहिए। ये तासर पैदा हो जाने के बाद अब हमारी बात कबूल करना उनके लिए आसान है। अगर इसके बरखिलाफ ये तासर पैदा हो गया कि बाप हमारे मुखालिफ हैं, अब्बा मुझे नहीं चाहते और वो हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाते हैं और मुझे मेरी खुशी तोड़ देते हैं, अगर हमेशा ये तासर ले लिया है, तो अब इस तासर के आ जाने के बाद हमारी हर नसीहत उसको खैर खाही के बजाय दुश्मनी समझ में आए और वो उसको कबूल नहीं करे। कबूल जब ही करेगा जब हमारे बारे में उसका गुमान अच्छा बन गया है, हमारे बारे में उसके तासुरात अच्छे हैं। अब हम कहेंगे, अब ये चाहे अब्बा हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे पीर हो, चाहे नबी हो, नफ्सियात एक ही है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम इन्नी लकुम नासिहुन अमीन जबान से ये कहते थे और करते भी होंगे, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, देखो मैं तुम्हारा बहुत ही खैर ख्वाह, और खैर ख्वाही दिखाते भी थे। ये जो मेरी दावत है तुम्हारी दुनिया आखिरत बनाने के वास्ते, इसको तुम कबूल करो, इसको हर तरह समझा देती थी, हर तरह उनके जहन में बिठा देती थी कि ये मैं खैर ख्वाह हूं, मैं खैर ख्वाह हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी बार बार फरमाया कि देखो मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं और मैं तुमसे कुछ दुनिया नहीं चाहता। मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। एक दफे बहुत हुजूर अलैहिस्सलाम दिल दुखी हो गए, बहुत दिल दुखा आपका। उन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकों से जो बात कही तो उसमें यह फरमाया कि मैं आप लोगों से कोई मुआवजा नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जरा कराबतदारी का ख्याल तो कर लो, ऐसा भी क्या तकलीफ देना है और ऐसा भी क्या सताना है, अजनबी जैसे सता रहे हो तुम, रिश्तेदार भी ऐसे ही तकलीफ दे रहे हो। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कराबतदारी का ख्याल कर लो, कराबतदारी के लिहाज से तो कुछ मेरा ख्याल रखो तुम लोग। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर कोई चीज पूरी उम्र में मांगी तो इतना कहा रिश्तेदारों से कि भाई रिश्तेदारी तो मलहूज रख लो, ऐसा भी क्या सताना है तुम्हारा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे ज्यादा कोई मुतालबा किसी से नहीं, किसी से कोई मुतालबा नहीं किया। इसलिए हमको चाहिए कि हम शफ़क़त पैदा करें, शफ़क़त के बगैर तरबियत के मामले में नाकाम हो जाएंगे, कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए शफ़क़त हो। अब शफ़क़त का मतलब लोग ये समझते हैं कि अच्छा करें, बुरा करें, गलत काम करें, कुछ भी करें, कुछ ना बोलो, इसको शफ़क़त समझते हैं। तो ये शफ़क़त की तारीफ न समझने का कसूर है, शफ़क़त का ये मतलब नहीं। शफ़क़त में तो ये भी दाखिल है कि जो जो चीज़ें उसकी दुनिया को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे उससे उसको बचाना चाहिए, उन चीज़ों से भी बचाना जिससे आखिरत को नुकसान होता है। अपनी औलाद की आखिरत को जो चीज़ नुकसान पहुंचाती है उससे बचाना, बल्कि ये शफ़क़त का आला दर्जा है, क्योंकि दुनिया की तकलीफ तो आरजी है, छोटी है, मुख्तसर सी है, आखिरत की तकलीफ बड़ी है और दायमी है।
तो शफकत का तो ज्यादा तकाजा यह है कि आखिरत की तकलीफ से पहले बचा जाए। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की खिदमत में 10 साल की उम्र में लाए गए। उनकी वालदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें ला करके हुजूर अलैहि सलाम के हवाले किया कि ये बच्चे को आप रख लीजिए, ये आपके साये में पले और आपकी तरबियत से इसकी तरबियत हो, इसलिए मैं आपके हवाले कर देती हूँ। 10 साल की उम्र में ला कर दिए और जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो हजरत अनस की उम्र 19 या 20 बरस की थी। बहुत करीब तरीन रहने वाले सहाबा में से है, बहुत रिवायात हदीस की किताबों में इनकी मौजूद है। चूंकि बहुत करीब रहे हैं, साथ रहे हैं, सफर हजर में, घर में हमेशा साथ रहे, 10 बरस की उम्र में घर में भी रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं 10 बरस हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा, 5 बरस बुलूग से पहले और 5 बरस बुलूग के बाद, यानी कुछ जवानी का हिस्सा भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा और बचपना भी कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम की जेरे तरबियत रहा। इस पूरे 10 बरस में एक दफा भी अपनी किसी खिदमत के सिलसिले में आपने मुझसे ये नहीं पूछा ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया, कभी नहीं पूछा। अल्बत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी किसी दीनी कोताही को देखते तो जरूर तंबीह फरमाते थे, जरूर टोकते थे। अब हमारी शफकत उल्टी है, वो ये है कि दीन में तो सब, अरे बच्चा है छोड़ो रहने दो, बच्चा है रहने दो, बच्चा है रहने दो, दीन का सब बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे कितनी बुराइयां करे, चाहे कितने गुनाह करे, जो आगे चल के बालिग होने के बाद गुनाह शुमार होगा उसको हम उसको उससे दूर रखने की फिक्र नहीं करते। बच्चा है इसलिए शफकतन गवारा कर लेते हैं, और अगर हमारी नाफरमानी करे तो हाथ भी उठ जाता है, जबान भी चल जाती है, सख्त सुस्त भी कह देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, सब करते हैं। तो ये हमारी नाफरमानी हमारे नज़दीक बड़ी बात है और अल्लाह की नाफरमानी कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई अहमियत नहीं रखती। ये हमारी शफकत है, और पैगंबर की शफकत 10 साल खिदमत में रहने वाला वो बच्चा जो उनके सामने जवान हुआ और उनके सामने बड़ा हुआ, वो कह रहा है 10 बरस में अपनी किसी जाती खिदमत की कोताही में कभी नहीं फरमाया लेमा फालता लेमा मा फालता, ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे कभी इस पर तंबी नहीं की। अलबत्ता हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन की किसी गलती को देखा तो जरूर तंबी फरमाई, उसमें कुछ नहीं। फिर अपना वाकया सुनाते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अनस जरा फुलां साहब को बुला लाओ, मुझे कुछ काम है। उन्होंने कहा, वो इब्तदाई उम्र की बात होगी, उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं जाते तो फिर मैं ही जाके बुला के लाता हूँ। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाने का इरादा किया। हजरत अनस कहते हैं, मैं ये बोल तो रहा था हुजूर अलैहिस्सलाम से, पर मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि जाके अभी बुला के लाता हूँ, लेकिन ये मैंने उस बेतकल्लुफी की वजह से कह दिया जो हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे साथ बरतते थे, इसलिए मैंने कह दिया, मगर मेरे दिल में यही था कि जाऊंगा बुला के लेके आऊंगा, तो मैं चला गया बुलाने के वास्ते। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ये समझे कि उसने तो कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आप खुद गए, कोई ज़रूरी काम था उनसे मिलने के लिए, तो देखा कि रास्ते में हबशी लोग कोई खेल खेल रहे थे, उनका खेल देखने में खड़े हुए हैं हजरत अनस। तो पीछे से हुजूर अलैहिस्सलाम ने जा करके चुपके से उनकी आंखों पे हाथ रख के आंख दबा दी, बंद कर दी आंखें। तो वो ये कहते हैं कि मैंने कंधों को झटका मारा और कहा कि छोड़ो कौन है, और फिर मैं पलट के देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम आप मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया कि तुमने कहा था कि मुझे इस वक्त कहीं जाना नहीं है, अब कैसे निकल गए बाहर तुम, तो कहा आप ही ने भेजा था, उनको बुलाने ही जा रहा था, ये तमाशा नजर आया तो रुक गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है तुम यही देखो, फिर आप चले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़क़त को उन्होंने बताया कि देखिए अपनी खिदमत के मामले में, अपने हक के मामले में नज़रअंदाज फरमा दिया,
बच्चे हैं, खेलने का वक्त है, खेलते खेलने दो, बच्चे हैं। इस वक्त कभी मिजाज होता है कहना मानने का, कभी मिजाज नहीं होता उनका, नज़रअंदाज करो, इसको देखते रहो, समझते रहो। नाफरमानी, हठधर्मी, बगावत ये तो नहीं सीखने देते, लेकिन यह है कि उनकी मिजाज को भी मलहूज रखो कि कभी मिजाज नहीं है बच्चे का, ये वक्त नहीं है। अब हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी तरबियत करने वाले आदमी थे, वो फरमाते थे घर में भी, हमारी वालदा से भी कहते थे कि देखो बच्चों को ऐसे वक्त में हुक्म मत दो जिस वक्त में उनका मूड नहीं है काम करने का, ऐसे वक्त में उनको काम के लिए मत कहो, इसलिए कि अगर हम कहेंगे और नहीं करेंगे तो नाफरमान बनेंगे। तो नाफरमानी हम सिखा रहे हैं, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि इस वक्त बच्चा ये बात मानेगा कि नहीं मानेगा, नहीं मानेगा नहीं बोलो उसको उस वक्त में, दूसरा काम बताओ उसको, या उसको खेल लेने दो, खुद कर लो। लेकिन ऐसे वक्त में बोलना और सख्ती से बोल देना कि वो नाफरमानी करे, ये नफसियात है। इस नफसियात को अम्बिया अलैहिस्सलाम मलहूज रखती, अम्बिया अलैहिस्सलाम देखिए इसको देख रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चे का इस वक्त में मूड नहीं है जाने का, तो कुछ भी नहीं कहा, सख्ती से कहते अगर वो नाफरमानी करता तो नबी की नाफरमानी होती, और उस वक्त में वो उनके जेरे परवरिश थे तो अपने वली की नाफरमानी होती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाफरमानी का मौका आने ही नहीं दिया, ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली कि वो नाफरमान माने ही ना जाए, नाफरमानी का मौका ना मिले। तो ये सब चीजें तो नजर में रखने की होती हैं, इसलिए मैंने कहा दूसरी चीज निगरानी, नजर रहे बच्चे के ऊपर, बच्ची हो बच्चा हो, हमारी निगरानी मुसलसल होना चाहिए। बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते लड़ लेते हैं, लड़ने पर माएं जो हैं वो जानिबदार बन जाती हैं, इससे बद अखलाकियां वजूद में आती हैं, दुश्मनियां वजूद में आती हैं, आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं, भाई भाई एक दूसरे से जुदा होते हैं, तरह तरह के तमाशे होते हैं, जहां पर मुश्तरक फैमिलियां रहती हैं, मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं, कितने झगड़े होते रहते हैं सिर्फ इस वजह से कि बच्चों में झगड़ा हो गया। तो असल ये है कि बच्चों को खेलने से और लड़ने से रोका ना जाए, निगरानी की जाए, जब ऐसा वक्त आ जाए कि वो भिड़ेंगे तो मुदाखलत कर दी जाए उनके दरमियान, और कहा जाए कि नहीं बेटा लड़ाई नहीं करते, छोड़ो इसको, ये काम नहीं, ऐसे नहीं करते, छोटी बात है, माफ कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। तो वो कब होगा, जबकि निगरानी रखेंगे। हम निगरानी नहीं रखेंगे, बच्चों को छोड़ देंगे और वो लड़कर मार पीट करके गाली गलौज की नौबत आ जाए, तब हम जाकर जानिबदारी करते हुए दूसरे के बच्चे को डट के धकेल देंगे, अपने बच्चों को चिमटा लेंगे, और लड़ाई झगड़ा होगा, और फिर दोनों माओं में इख्तलाफ होगा, और नफरतें पैदा होंगी और दूरियां पैदा होंगी। अगर इसके बजाय निगरानी रखी जाए, तो निगरानी रखी जाए, नौबत ही नहीं आती लड़ाई झगड़े की, बच्चे खेलेंगे लड़ेंगे भी तो ना, जब कोई बात होगी मिजाज के खिलाफ होगा, कोई किसी के खिलाफ बोल देगा, कोई किसी के खिलाफ, तो अब वहां फौरन इख्तलाफ होगा, झगड़ा होगा, फितरत है, इस फितरत को खत्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन निगरानी रखें। निगरानी जब हमारी नजर रही, अपने काम भी करते रहो और बच्चों पर नजर भी रखे रहो। अगर बच्चों में आपस में अपने घर के बच्चे सही सगे भाई बहने या और भी अपने दूसरे रिश्तेदार मिलजुल के हों तो नजर रखो, और जब भी बच्चे लड़ाई की नौबत आए बस फौरन मुदाखलत करके इस किस्से को ख़त्म करो, नौबत लड़ाई की होने मत दो। इस बार बार दो चार मर्तबा पेश आने पर बच्चे ये समझेंगे कि ये जो हम खेलते हैं ये अच्छा काम है, इसलिए इसमें हमको कोई नहीं रोकता, और ये जो हम लड़ते हैं ये बुरा काम है, इसलिए बड़े बीच में आ जाते हैं रोकते हैं। तो उनकी उनकी नफसियात ये बन जाएगी कि लड़ना बुरी बात है और खेलना अच्छी बात है आपस में, ये उनके समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नहीं लड़ने की नौबत आ जाने के बाद पिटाई करेंगे उनकी जाकर, तो पिटाई से तो नहीं समझेगा वो कभी भी, पिटाई से उसको नसीहत नहीं होती, पिटाई नसीहत का जरिया ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम खूब खूट पीट करके सहाबा किराम की तरबियत कर देते, सहाबा की ऐसी तरबियत की नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम ने। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कमजोर हैं और कम उम्र है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के जेरे तरबियत जो लोग थे वो बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे, अब बास अच्छी खासी उम्र के, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने पिटाई तो दूर की बात है, सख्त कलामी भी कभी नहीं फरमाई, सख्त कलामी भी नहीं। अब एक बड़ा आदमी है, गांव से आया ऊंट पे बैठ के,
और ऊंट उसने ला करके मस्जिद के अंदर बांध दिया या मस्जिद के बाहर, मुख्तलिफ रिवायात है। और उसके बाद मस्जिद में आए, वो पहला काम मस्जिद में दाखिल होकर यह किया कि एक कोने में बैठ के पेशाब करना शुरू कर दिया। तो सहाबा ने उनको कहा रो रुको रुको रुको, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहरो, गड़बड़ मत करो, उसको पेशाब से फारिग हो जाने दे। अब इंतजार करते रहे, जब वो फारिग होकर खड़ा हो गया तब हुजूर अलैहिस्सलाम करीब में आए और फरमाया देखो मस्जिद इबादत के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए है, पाक रखने के लिए है, मस्जिद पेशाब करने के लिए, पेशाब कहीं बाहर करके आना चाहिए था तुम्हें, तो ऐसा आइंदा नहीं करना कभी ऐसा। अब फिर पानी मंगवाया और धुलवा दिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, मट्टी थी उस ज़माने में, फर्शी तो नहीं थी। तो मुख्तलिफ रिवायात हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ मट्टी कच्ची हो जो हो गई थी वो निकाल के फेंकवा दी, ताकि सूखी ज़मीन तो पाक है, इसलिए वो जो कच्ची हो गई थी उतनी मट्टी निकलवा के बाहर फेंकवा दी और थोड़े से इत्मीनान कल्ब के वास्ते उस पर पानी छिड़कवा दिया ताकि तकद्दुर न हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना सब कुछ किया लेकिन सख्ती से नहीं बताया। अरे ये बच्चा है क्या, ये बड़ा आदमी है जो ऊंट पे बैठ के आया है, बड़ी उम्र का है, लेकिन उसको सिखाने में भी ये। अब शारहीन हदीस ने मुख्तलिफ तौजीहात की कि क्यों घर में खुदा के पेशाब करने दिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। तो ये फरमाते हैं एक तो इस वजह से कि शफ़क़तन आपने करने दिया, इसलिए कि अगर सब मिलकर गड़बड़ करते अचानक पेशाब रोक लेता, और जब अचानक पेशाब रोक लेता तो उसके मसानों पर असर होता और तकलीफ पहुंचती, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको तकलीफ होने नहीं दिया। दूसरी तवजीह यह की गई है कि अगर अचानक गड़बड़ कर देते तो वो पेशाब करता हुआ ही बाहर भागता, तो अब एक जगह खराब हो रही थी, बहुत सारी जगह मस्जिद की खराब हो जाती। तो जो भी वजह हो, लेकिन इसमें शफ़क़त तो समझ में आ रही है कि किस शफ़क़त से हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई, तरबियत फरमाई। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदाज में, तो पहली चीज शफ़क़त है, और दूसरी चीज निगरानी, नजर में रखें अपनी औलाद को क्या करते हैं, करने भी दें उनको। इसकी एक मिसाल है, बहुत ज्यादा सख्ती करें या बिल्कुल छूट दे दें, इसको एक मिसाल से समझिए। पौधा लगाते हैं आप कहीं घर के सामने, एक पौधा लगाते हैं कि भाई दरख्त हो जाए, साया हो जाए या ठंडा अच्छा लगे, किसी वजह से भी पौधा लगाते हैं। अगर आप इस पौधे को खुला छोड़ देंगे तो रात में बकरी खा लेगी, सुबह कुछ भी नहीं रहेगा, वहां पर किस्सा खत्म होगा, रोज लगाओ रोज खत्म हो जाए, रहेगा ही नहीं। और अगर आप इसके ऊपर कोई बैरल रख देंगे, बाल्टी रख देंगे और वजन पत्थर रख देंगे, तो वो अंदर ही जल के खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, तैयार ही नहीं होगा वो। तो क्या करें, एक तीसरी सूरत है, वो ये है कि एक जाल उसके आगे लगा दिया जाए, जो पाबंदी भी कर रही हो और छूट भी दे रही हो कि हवा आए, रोशनी आए, धूप लगे, इसकी छूट भी मिल रही है, और पाबंदी भी है कि इस पर कोई बकरी ना खा ले, कोई जानवर मुंह ना डाले, कोई वजन चीज इस पर ना गिर जाए, इसकी पाबंदी भी हो गई। इस मिसाल को सामने रखिए, बच्चों के साथ हमारा मामला न बिल्कुल छूट का हो कि खुला छोड़ दें कि कोई भी बच्चे उनके दोस्ती करें और बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, ना उनको शैतान के हवाले करें, और ना इतना उनको तंग करके रखें कि वो लोगों को अपने 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 आप को वो लोग महबूस महसूस करें, जैसे जेल के अंदर हो ऐसे महबूस महसूस करें। ये भी उनकी सलाहियतों को खुलने नहीं देती, उनकी सलाहियतों को उजागर होने नहीं देती। लिहाजा बैन बैन इख्तियार करो, जैसे जाली लगा दी गई, कुछ पाबंदी और कुछ आज़ादी। अपने बच्चों पर भी कुछ पाबंदियां रखिए, जहां अखलाकन अखलाकी खराबी का अंदेशा हो पाबंदी, और जहां उनकी अपने अंदर के ज़ौक और उनके अंदर की सलाहियतों के निखरने का मामला है तो आज़ादी दीजिए, मौका दीजिए कि वो अपने अंदर के जौहर दिखाएं, अल्लाह ने अंदर क्या क्या सलाहियतें रखी हैं, वो बच्चों को बाहर लाने दो और दिखाने दो, उसके लिए उनको आज़ादी भी दो। तो जितनी आज़ादी उनके लिए मुनासिब है उतनी आज़ादी, और जितनी पाबंदी उनके लिए मुनासिब है उतनी पाबंदी। ये निगरानी का मतलब ये होता है, निगरानी हो, नजर रहे, बच्चे बिगड़ने ना पाए, कोई खराब काम करने ना पाए,
कोई अखलाकी खराबी तो नहीं आ रही है, दूर से देखते रहो। और जब हम नजर रखेंगे तो हमें बार बार जरूरत पेश आएगी तीसरी चीज की, और वो तीसरी चीज है नसीहत। नसीहत, डांटना कम हो समझाना ज्यादा हो। समझाने में और डांटने में फर्क यह है कि डांटने में सख्त कलामी हो जाती है और समझाने में मोहब्बत और प्यार की बात होती है। इसलिए डांटना कम हो समझाना ज्यादा हो, बार बार शफकत से। बेटा ऐसा नहीं करती है बेटा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जवान 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 बच्चों से, मैंने सुना कई बच्चों से कि उनको इस बात की शिकायत और एहसास दिल में मौजूद है और वो एक कांटा बनकर चुभा हुआ है उनके दिल में कि उनके अब्बा ने कभी बेटा कहकर नहीं पुकारा, एक कांटा बन के चुभा हुआ है उनके दिल में। अब बड़े हो गए हैं, बाप की खिदमत भी कर रहे हैं, कहना भी मान रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बेवफा नहीं हो गए वालिदैन के, लेकिन दिल में एक कांटा चुभा हुआ है। माँ जब भी उनको नसीहत की है कोस कर की है, तानों के साथ की है, सख्त कलामी के साथ की है। बाप ने की है तो कभी प्यार और मोहब्बत का लहजा नहीं इख्तियार किया, अगरचे के अल्लाह का करम है कि वो बड़े होकर माँ बाप के वफादार ही हैं, बेवफा नहीं है, लेकिन उनके दिल में एक कांटा है, वो निकल नहीं सकता। वो यही है कि उनके साथ वो मामला नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे, उनके साथ वो सलूक नहीं हुआ जिसको वो तरसते थे, वो उनको नहीं। इसलिए नसीहत करो, ऐसे करो। देखो नसीहत भी हम हुजूर अलैहिस्सलाम से ही सीख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसे बात करते, या गुलाम, गुलाम ये उर्दू वाला नहीं है, उर्दू में गुलाम बांदी जो हमारी इस्तेला है ना, वो अरबी में नहीं है। वो अरबी में गुलाम कहते हैं छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को गुलाम कहते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जगह जगह, ये हजरत अनस को खुद जितनी मरतबा खिताब किया तो कभी फरमाया या बुनैया, प्यारे बेटे, और कभी फरमाया या गुलाम, ए बच्चे, मोहब्बत से बात कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी ऐसे सख्त कलामी कहीं भी नजर नहीं आती हुजूर अलैहिस्सलाम की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों को ऐसे बात करते, या बुनैया, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, जो बाद में हिब्रुल उम्मा और अफ़क़हु सहाबा और रासुल मुफस्सिरीन बने, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में छोटे थे, आपके इंतकाल तक भी बालिग नहीं हुए थे वो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में एक दिन गए, रात को सो गए आपके घर में, आपका घर में आपकी एक ज़ौजा मोहतरमा उनकी खाला थी, इसलिए उनके घर में जा करके हजरत मैमुना के घर में जब हुजूर की बारी थी तो उस दिन जाके सो गए। शौक क्या है, शौक ये है कि ये देखें कि रात में नबी करते क्या है। तो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का एक तकिया था घर में, उस तकिए ही पर उनकी खाला उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना और हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों का एक ही तकिया था, दो तकिए नहीं थे, एक ही तकिए पे दोनों सोते थे। तो ये कहते हैं कि मैं चला गया और मैं पहले सो गया, उसी तकिए पे एक साइड में दूसरी तरफ से सर रख के सो गया उसी तकिए पर। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जब देर से सोते थे, बहुत देर से आते थे हुजूर अलैहिस्सलाम, तो आप तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे साइड से सर रखते सो गए। अब फरमाया मैं थोड़ी देर शुरू में तो सो गया था लेकिन फिर जागा, अब मुझे ये देखना था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में क्या आमाल सालिहा करते हैं, मैं भी वो करूँ, इसका शौक था। तो लेटे, अब हुजूर अलैहिस्सलाम थोड़ी देर सो गए, थोड़ी ही देर के बाद फिर जागे तो का एक मशकीज़ा लटका हुआ था, उसके पास जा करके उसके नीचे से पानी लिया और मुख्तसर सा वजू बनाया। अब मुख्तसर सा वजू बनाने के बाद आपने मुसल्ला बिछाया और तहज्जुद के लिए खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं भी वही सब काम किया जो आपने किया। आप उठ के बैठे, पहले आंखें मल ली, इससे सुस्ती दूर होती है, नींद उड़ जाती है, तो मैंने भी आंखें मल ली बैठ करके। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू बनाया, मैंने भी बनाया। वो नमाज के लिए खड़े हुए तो मैं भी उनकी बाईं जानिब आकर खड़ा हो गया।
तो उन्होंने अपना हाथ सर पे रख करके पीछे से ऐसे इशारा किया कि इधर आओ, ये साइड में आ जाओ। तो फिर मैं उनकी सीधी जानिब आके खड़ा हो गया, वो नमाज पढ़ते रहे, मैं भी नमाज पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बराबर में खड़ा किया था आपने, और दो ही आदमी नमाज पढ़ रहे हो तो बराबर ही में खड़े होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो चार उंगुल पीछे हटके खड़े हो सकते, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं खड़े होना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपने बराबर में खड़ा किया था, तो वो थोड़ा पीछे हट गए, खुद ही हट गए पीछे। आपने फरमाया नमाज के बाद, तो मैंने तुम्हें यहां खड़ा किया था, तुम पीछे क्यों हटे? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके बराबर कैसे खड़े सकता था, तो मुझे आपसे हया आई इसलिए पीछे हट गया। ये समझदारी हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी अच्छी लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सीने से लगा लिया। जिस तरह जिब्राइल ने उनको अपने सीने से लगाकर एक खास नूर अल्लाह के पास से लाकर उनके सीने में मुंतकिल किया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने इस चचाजाद भाई को, जो छोटे थे अभी 8-10 बरस के थे सिर्फ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगा दिया, और सीने से लगा करके दुआएं दी उनको कि अल्लाह ताला तुमको किताब की तावील अता फरमाए, कुरान मजीद का फहम नसीब कर दे अल्लाह ताला, तुम इतने फहीम आदमी हो, इतने समझदार आदमी हो, अल्लाह ताला तुमको कुरान का फहम अता फरमा दे। मालूम हुआ कि बच्चे जहीन हो तो उनके लिए तमन्ना करना चाहिए इल्म दीन का वारिस बनाने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे को इतना जहीन देखा तो इसे आलिम किताब व हिकमत होने की दुआ दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी दुआ की बरकत थी कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आज सहाबे किराम में हिब्रुल उम्मा कहलाते हैं, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम कहलाते हैं। कुरान की तफसीर में वो एक सनद बन गए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। इमाम बुखारी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह बुखारी शरीफ में जहां कुरान की आयतें आई हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तफसीर का हवाला दिया कि उन्होंने इसका यह तर्जमा किया, उन्होंने इसका यह तर्जमा किया, ये हवाले दिए। तो इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। कहने का मतलब यह है कि ये बच्चों के साथ शफ़क़त है ना, शफ़क़त है, नज़र है कि इन्होंने किया क्या, देख रहे थे हुजूर बराबर कि ये बच्चा करता क्या जा रहा है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इस शफ़क़त और नज़र और फिर उसके बाद नसीहत खैरख्वाही फरमाई उनसे, उनको दुआएँ दी और ये दुआएँ उनको काम आ गई। एक और मरतबा उन्होंने उन्हीं के घर में, हज़रत मैमुना ही के घर में हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए तो इस बच्चे ने उठ के लोटे में पानी भर के वहाँ पर रख दिया जहाँ आप वजू किया करते। आप आए और आपने देखा कि इसने, किसने पानी रखा है यहाँ, अब मैंने रख दिया है, मैं समझा कि आप निकलेंगे तो वजू ज़रूर करेंगे इसलिए पानी भर दिया था इसमें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी बहुत खुश हुए, और आपने उस वक्त जब वो अल्लाह से ख़ास तजल्ली का वक्त था, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह इसे दीन की फहम अता फरमा दीजिए, क्योंकि दीन ही काफ़ी नहीं है, दीन का फहम बहुत बड़ी चीज़ है। आज लोग दीन से वाकिफ़ हैं, फहम दीन न होने की वजह से खुद भटक रहे, दूसरों को भटका रहे, इसलिए फहम बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह दुआ नहीं दी कि अल्लाह इसको बहुत इल्म अता फरमा दे, बल्कि ये दुआ अता फरमाई फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह इसको दीन की समझ दे दीजिए, दीन फहमी अता फरमा दीजिए कि दीन को सही मानों में समझ सके, ऐसी फहम अता फरमा दीजिए इसको। तो ये दुआ दे दी, यही दुआएं सब काम आ गई। ये शफ़क़त है हुजूर अलैहिस्सलाम की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बेशुमार वाक़ियात हैं कि अल्लाह के नबी का सलूक बच्चों के साथ कैसा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को नसीहत कैसे करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ रहते कैसे थे, बच्चों को कितना मौका देते थे। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ये तक कर सकते हों कि इमामुल अंबिया हों और सैयदो वुल्द यौमल क़ियामा हों, कि क़यामत में पूरी इंसानियत बशमूल आदम के वो सरदार हैं हुजूर अलैहिस्सलाम, और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के सहन में घुटनों और हथेलियों के बल पर हों और उनके नवासे उनकी पीठ पर बैठे हुए हों, बच्चों के साथ इतना भी करके दिखा सकता है इमामुल अंबिया, तो हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं और कैसी शफ़क़त करते हैं, अपने हालात में गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए हमें सीखना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि औलाद की तरबियत कैसे की जाती है,
उन्हें दुनिया और दीन दोनों की समझ कैसे दी जाती है, उन्हें अच्छे अखलाक वाला और अच्छा ईमान वाला कैसे बनाया जा सकता है, ये सब नबी से सीखना होगा। और उसके लिए मैंने कुरान हदीस की रोशनी में आपको तीन बातें याद रखने के लिए बताई। एक तो पहली चीज़ शफ़क़त, दूसरी चीज़ निगरानी, हमेशा नज़र रहे अपने बच्चे क्या कर रहे हैं इसके ऊपर नज़र रहे, और तीसरी चीज़ नसीहत, जो अच्छी बात की कमी महसूस करो हमदर्दी से मोहब्बत से समझाओ, और जो बुरी बात उनके अंदर नज़र आए निहायत शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उसका बुरा होना उनके जहन में बिठा दो ताकि वो दोबारा ना करें। बच्चे ऐसा बहुत फरमा बरदार होते हैं, उनको कहा जाए शफ़क़त से समझा के कि बेटा ये बुरी बात है तो फिर कभी खुद भी नहीं करते और दूसरा करता है तो शिकायत करते हैं, वो फलां ये कर रहा था ये शिकायत करते हैं, खुद करते नहीं कभी। जब उनको बता दिया जाए कि ये बुरी बात है बेटा ये नहीं करते, मगर शफ़क़त से बचाया जाए, दो थप्पड़ लगाने से कभी ज़िंदगी में नहीं समझेगा, वो कभी नहीं समझेगा। समझा देंगे कि बेटा ये बुरी बात है ना, इससे ये ख़राबी है, इससे ये तकलीफ़ हुई दूसरे को, ये सब समझा दें, फिर कभी वो नहीं करेगा ऐसी हरकत। इसलिए इसके लिए शफ़क़त की ज़रूरत है, निगरानी की ज़रूरत है, नसीहत की ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने फ़ज़्ल व करम से हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें। अल्लाह ने हमारी आँखें ठंडी कर दी हैं तो हम इन बच्चों को अल्लाह को खुश करने वाला बना दें और नबी की आँखें ठंडी करने वाला बना दें। आमीन व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह।